कभी नहीं आता है मेरे गांव में। जीत के 3 बार गया हूँ, विधायक बन गया, विकास होता तो सपोर्ट करते हैं, नहीं विकास हुआ तब ना उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए अभी हम कुर्सेला के समीप एन एच 31 सड़क के बगल में मौजूद हैं। हमारे पास कुछ यहाँ के युवा चेहरा और बुजुर्ग भी मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है कटिहार का, इसमें किस मुद्दे को लेकर लोग वोट करने जा रहे हैं और क्या कुछ मूड है क्षेत्र का, तो सारी बात को। तो सबसे पहले हम बाबा से बात करेंगे। बाबा, चुनाव है आगे में, कौन नेता पसंद है आपको? जो हमको अभी रोजी रोटी दे रहा है उन्हीं को। कौन दे रहा है रोजी रोटी? तीर्थाप। तीर्थाप। अभी जो चुनाव होने वाला है, इस बार जो वोट कीजिएगा, किस क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? सरकार बदलने के बाद क्या देश का परिस्थिति होगा? अभी ये नारायण मोदी बाबू जी ने कितना भोजन दे रहा है आम पब्लिक को, तो औसा विधायक को देना चाहिए, प्रधानमंत्री को। नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहा है? जी हाँ। नीतीश कुमार? वो अभी उन्हीं के नेम पार्टी हैं। हाँ, उन्हीं के साथ है। हाँ हाँ, ये दोनों बिहार को बहुत तरह से बचा रहा है। इस बार जो कटिहार के लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं, दुलालचंद गोस्वामी हैं, तारिक अनवर साहब हैं, और भी लोग हैं, कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा। काहे कांग्रेस को काहे नहीं दीजिएगा? आगे ये विकास अभी किसने सुधारा है जी? रोड को उनके कांग्रेस के होती में रास्ता बुनने के लिए नहीं जगह था। कांग्रेस था तो नहीं था चलने के लिए रास्ता? नहीं, हम लोग का नहीं मिल रहा था। अभी कितना विकास दिया ये मोदी जी ने, कितना विकास दिया, बिहार को चमका रहा है। झोपड़ी बना करके आज यही नारायण मोदी ने बिहार को घर घर दीप जला दिया। कांग्रेस कभी नहीं दीप जलाया था। और सा नेता बिहार में नहीं चाहिए। मोदी अच्छा कर रहा है? हाँ, वह बहुत भला किया, घर घर में दीप जला दिया। चलिए तो हम लोग पप्पू यादव का सपोर्ट करेंगे। पप्पू यादव तो पूर्णिया से चुनाव? हाँ, पूर्णिया से, हम लोग भी पूर्णिया से हैं। अच्छा, पूर्णिया के हैं? सिमरा हुआ जी। और पूर्णिया से हम जी। लोग सब हम उसका ही मतलब सपोर्ट करेंगे। क्यों पप्पू यादव क्यों? क्योंकि अच्छा आदमी हो। बीमा भारती नहीं? नहीं, वो अच्छा आदमी कभी नहीं आता है मेरे गांव में। जीत के 3 बार गया हूँ, विधायक बन गया, लेकिन मेरे यहाँ गाँव में नहीं, सिमरा, मेरा घर सिमरा हुआ, कुछ एको बार नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ। तो आपका रुपोली विधानसभा में ही पड़ता है, वहाँ की विधायक वो रही है, वो नहीं आती है आपके गांव में? एको बार नहीं आया है, एक बार भी आता तो उसका सपोर्ट करते, लेकिन वो ऐबे नहीं किया तो उसका हम सपोर्ट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। उम्मीद है पप्पू यादव काम? हाँ, वो काम करेंगे। और अच्छा यादव को तो कांग्रेस वोट से वो जीतेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, पप्पू यादव अपना पार्टी विलय कर दिया कांग्रेस में, कांग्रेस तो उसको टिकट नहीं दिया? नहीं, टिकट क्यों नहीं देगा? टिकट तो नहीं दिया ना, निर्दलीय लड़ रहा है ना? क्योंकि उसका जनता सपोर्ट कर रहा है ना। पब्लिक के सपोर्ट से वो आगे बढ़ेगा, ऐसा बात थोड़ो है। अच्छा, पब्लिक सपोर्ट करेगा तो वो अपने आप आगे बढ़ेगा, ऐसे यही बात है। और कोई संतोष कुशवाहा को वोट दिया ही कि नहीं? उसको एक बार में चुनेंगे हम लोग, चुन भी नहीं करेंगे। पप्पू यादव अच्छा है और उसका भी सपोर्ट करेंगे, और किसी का बीमा भारती हो गया उसका भी सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है इस पिछले 5 साल में? कुछ नहीं विकास हुआ है अब तक, कुछ विकास होता तो हम उसका नहीं सपोर्ट करते हैं जी। विकास होता तो सपोर्ट करते हैं, नहीं विकास हुआ तब ना उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, यही बात है और कोई बात नहीं है। चलिए तो कुछ और युवा है उनसे हम बात करते हैं। देखिए, मुद्दा तो अभी बार कटिहार विधानसभा से हम लोकसभा से हैं यहाँ पे जी। क्या मुद्दा रहेगा आप इस बार, किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? देखिए, ये तो वोट का तो उजागर करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये मत की बात है, तो जिसको होगा वैसे देंगे हम। अच्छा, कौन नेता पसंद है? नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं, बोलने का कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, ये मत की बात है, ये उजागर नहीं करेंगे हम। अच्छा, क्षेत्र में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? देखिए, हमारे हिसाब से तो इधर कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है विकास, हम सब मानते हैं यहाँ का विकास जी। विकास पे कोई अथी नहीं है, अपना पेट भरवा वाला बात होता है यहाँ पे। अच्छा, आपका क्या रहा है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? हम उत्तर भागलपुर में भी तो चुनाव है, भागलपुर में कौन कौन चेहरा रहेगा इस बार? अभी कहा नहीं सोचे हैं।
तो देख सकते हैं अभी हम कटिहार के कुर्सेला एनएच 31 के समीप मौजूद थे। यहाँ क्या कुछ जनता की मूड है हम आपको दिखाए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।